खबर यह है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा यह है कि होम बेस न्यू बर्न केयर में लापरवाही दिखी है। आशा वर्करों की देखभाल में रुचि नहीं है, नवजातों की देखभाल में रुचि नहीं है। कुपोषण से 84 दिनों में 64 बच्चों की मौत हुई है। कुपोषण की वजह से 84 दिनों में 64 बच्चों की मौत हुई है। कम वजन वाले बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सीडीओ ने 5 ब्लॉकों के अधीक्षक को इस बाबत तलब किया है। होम बेस न्यू बर्न केयर में लापरवाही दिख रही है। आशा वर्करों की देखभाल में रुचि नहीं है, नवजातों की देखभाल में इनकी रुचि नहीं है। इनकी जो जिम्मेदारी है आशा वर्करों की, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। अब 84 दिनों में 64 बच्चों की मौत हुई है। कम वजन वाले बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। सीडीओ ने 5 ब्लॉकों के अधीक्षक को तलब किया है। यूनिसेफ के रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। लखीमपुर खीरी में होम बेस न्यू बर्न केयर में लापरवाही दिख रही है। यानी बहुत क्लियर है, जिनकी होम डिलीवरी घर पे होती है उनके बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसमें आशा वर्कर इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। वहां जा नहीं रही, उन लोगों से पूछताछ नहीं कर रही हैं, और जो चीजें सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से ये गड़बड़ी सामने आई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। शारिक, जरा इसे हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि आशा वर्कर की इसमें क्या गलती है, वो क्या नहीं कर पा रही हैं। राहुल, देखिए, जो होम बेस न्यू बर्न केयर का जो मामला है, इसमें लापरवाही देखने को ये मिली है कि जो आशाओं की जिम्मेदारी दी जाती है। भी नहीं समझा इस बात को, यानी जो बच्चे घर में पैदा होते हैं, होम डिलीवरी मतलब डिलीवरी घर पर होती है, जरा उसको बताइए ना, क्लियर कीजिए ना, दर्शक भी समझे। देखिए, जो डिलीवरी होती है उसमें जिन बच्चों में कुपोषण की समस्या पाई जाती है तो उनको जो है अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। ये खास तरह के न्यू बर्न केयर यूनिट बनाए गए हैं, वहां पर इनको रखा जाता है और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी आशाओं की दी जाती है। कहने को तो आशाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन जो पूरी चैन है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसके लिए है, क्योंकि जो 84 दिनों में अगर 64 बच्चों की मौत हो जाए, यानी एक मौत रोजाना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। और जिस तरह से लगातार शारिक, यानी अस्पतालों में, आप क्लियर कीजिए ना, अस्पतालों में ये बच्चों की मौत हुई है 84 दिन में। देखिए, अस्पताल से लेकर घर तक की ये आशा की जिम्मेदारी होती है। कहीं जो मेल न्यूट्रिशन का अगर कोई बच्चा है, हाँ, तो वो जिम्मेदारी आशा के ऊपर पूरी तौर पर रहती है कि वो जाकर वहां पर देखभाल करे जो नवजात हैं उनकी, और इसकी रिपोर्ट बराबर करे। यूनिसेफ ने जो सर्वे कराया था, जो अपनी रिपोर्ट सामने भेजी है, उसमें ये बात का खुलासा हुआ है कि जो कुपोषित बच्चे थे, खास करके नवजात, उनमें ये बड़ी समस्या देखने को मिली है और ये आशाओं की ही लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से 84 आपने क्लियर किया, सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में।